माता मंदिर स्थित न्यू 98 क्वार्टर्स ब्लॉक 7 में आधा दर्जन गाड़ियों को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह गाड़ियों को आग के हवाले कर बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आरोपियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, ये तस्वीरें भी उसकी बांधी कि दिन दहाड़े आरोपी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और रात के अंधेरे में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो आग से जलकर ये सारी गाड़ियां खाक हो गईं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक टीम वहां पहुंचती तब तक गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। अब ऐसे में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और आखिर वो कौन है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो रात के अंधेरे में पहुंचे बदमाशों ने गाड़ियों को आग लगाई और मौके से फरार हो गए। तू तो देख बिल्कुल वहीं घुस गया। इस पूरे मामले में पुलिस अब तफ्तीश कर रही है और इसी के साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन है बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। किस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि न सिर्फ दिन में बल्कि रात के अंधेरे में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर बदमाश फरार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, हालांकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। गट्टू तो देख बिल्कुल वहीं घुस गया। तो कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। भोपाल का यह पूरा मामला है जहां पर बदमाशों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। गट्टू तो देख बिल्कुल वहीं घुस गया।